नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। बिजनौर के मंडावर चंदक मार्ग पर रानीपुर गांव के पास आज सुबह सड़क हादसे में उस वक्त स्कूल बस के ड्राइवर की मौत हो गई जब बच्चों को स्कूल जाते वक्त कोहरे के चलते ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मारी। हादसे के वक्त बस में करीब 40 बच्चे सवार थे, जिनमें से 15 बच्चे घायल हुए। साथ ही एक टीचर को भी काफी चोटें आई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे की खबर मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही आनंद फानंद में जिलाधिकारी ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर स्कूली बच्चों का हालचाल जाना, साथ ही डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए गए। सर कुछ नहीं, बहुत आराम से थी, पहले इतनी तेज भी थी, बस कोहरे की वजह से थोड़ा हुआ है एकदम से, क्योंकि डेली आते हैं। ऐसा भी नहीं कि सर ड्राइवर तेज चला रहा था, बहुत जल्दी एकदम से, पता नहीं कैसे, क्योंकि कोहरा तेज था। कितने बच्चे थे बैन के अंदर? सर 40 के समथिंग होंगे। अच्छा, कितने बच्चे घायल हैं? मुझे नहीं पता सर, मुझे सच में नहीं पता, मेरी बहुत ज़्यादा पैर में दिक्कत है। ये कौन सा स्कूल है आपका? मोटनेरा पब्लिक स्कूल। जिला बिजनौर में मंडावर क्षेत्र में एक स्कूल की बस और जो ट्रक है उसकी टक्कर मिली। उसमें जो बस के ड्राइवर हैं उनका देहांत हो गया, और जो बस में जो स्कूली बच्चे थे उनमें से काफ़ी बच्चे इंजर्ड हुए हैं। लगभग अभी 14 से 15 बच्चों की इंजरी की सूचना आई है। हम लोग यहाँ पर जिला अस्पताल में हैं। अभी CMS से मेरे द्वारा फीडबैक लिया गया है, तो कोई भी बच्चा क्रिटिकल जोन में नहीं है। सभी बच्चे खतरे से बाहर है, जिनको इलाज की आवश्यकता है उनका इलाज यहाँ पर कराया जा रहा है। कोई कैजुअलिटी है? जिसमें बस के ड्राइवर की कैजुअलिटी हुई है, बाकी शेष बच्चे सभी सुरक्षित। अच्छा, इस स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं जिले के अंदर, और जबकि बसों की व्यवस्था बहुत कंडम है, इसमें क्या कहेंगे आप? इसका हम लोग मॉडर्न एरिया स्कूल के हम लोग अभी इसको चेक भी करा लेंगे, जिसमें भी इनकी बसेस है उनको सत्यापन भी कराया जाएगा। अगर कहीं भी कमी पाई जाती है स्कूल प्रशासन की तरफ से, तो स्कूल पर भी कार्रवाई की जाएगी। डीएम साहब, कई बार हादसे हो चुके हैं, सरकार भी और प्रशासन भी कार्रवाई करता है, और परिवहन विभाग की लापरवाही चलते इस तरीके हादसे होते हैं। अवैध जो कंडम बसें हैं ये स्कूल में लगातार चल रही हैं। अभी वर्तमान में हम लोग जो भी स्कूली बच्चे यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं उनके इलाज पे हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। जैसे ही ये बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, हम लोग इसकी जांच, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसकी कराई जाएगी, और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।